स्वदेशी आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। आइए देखते हैं। भाइयों और बहनों, मैं हर जगह आप सभी को इसी मुद्दे पर संबोधित कर चुका। अब मैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। बापू, अगर ऐसा है तो मैं आपके समक्ष इस समस्या के रखने की अनुमति चाहूंगा। बोलो। संयुक्त प्रांत के एक लड़के को दो तीन दिन से काल कोठरी में बंद करके रखा है, एक मामूली अपराध के लिए। तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उसे धैर्य के साथ सभी कठिनाइयों को सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी को अपने हृदय में धैर्य का उतार लेना चाहिए। देश के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से बिना समझे स्वतंत्रता की मांग पे चलना सही नहीं है। जी, अभी हाल ही में अंग्रेजी सरकार ने तीन लोगों को कैद करके रखा है। उनमें से एक कांग्रेस के मंत्री भी थे, जिसने सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उनके सरकार के आगे झुक कर केवल जुल्म के कारण उनसे ही माफी मांगने की गलती। जो भी अंग्रेजों के जुल्म के बाद भी उनसे डर के उनसे माफी मांगेगा, उन्होंने मानो अब राष्ट्र को छोड़ दिया है। जो लोग हमारे मकसद और आंदोलन से अलग रह रहे हैं, उनमें शर्मिंदा होना चाहिए। ऐसे कर्तव्यहीन के लिए जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक हो सके, हमें निर्भय होकर उपस्थित होना चाहिए। जब हमारे इरादे नहीं थे तो हमें सरकार से डरने की क्या जरूरत? यदि कोई कठिनाई और परेशानियों से गुजरने के लिए तैयार नहीं है तो उसे आंदोलन इस स्तर पर छोड़ देना चाहिए। भाइयों और बहनों, हमें देश के लिए किसी भी समय दुख सहने के लिए तैयार रहना है। हमने विदेश में बने कपड़ों को इत्तार करके नष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट खोला है, जहां आप सभी बिना किसी हिचक के कपड़ों भेज सकते हैं। अगर आप विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करने में 31 तक सफल नहीं हुए, आपको अपने साथियों की नजरों में झुकना पड़ेगा। क्या आप 1 अगस्त के लिए कोई तैयारी किए हैं? यदि आप उस दिन तक अपने कपड़ों को पूरी रूप से बहिष्कार ना कर सके तो समझो हम विदेश में छूट जाएंगे। धन्यवाद। अंदर आने किसी को अनुमति नहीं है। अरे भाई, मैं कहाँ
मेरे बाबू से साफ साफ आदेश मिले कि किसी भी अंदर मत देना। ये हमारे कर्तव्य है कि तुम और तुम्हारा कर्तव्य बाबू के बच्चे। अरे हम सभी तो बाबू के ही बच्चे हैं, वही तो हमें आजादी देंगे, वही तो हमारी तरक्की की देखभाल करेंगे, वही एक दिन इस देश के पिता बनेंगे, देख लेना। मेरी राय है कि हम सभी को अपने मुस्लिम भाइयों का साथ देना चाहिए और धर्म के ऊपर देशभक्ति को जगह देना चाहिए। मगर बापू ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है, क्या हमें ये जोखिम उठाना चाहिए? अभी अभी तो विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज ने आजादी के बैठक मारने के तैयार हुए। जोखिम जोखिम हमारे लिए नहीं उनके लिए, उन्हें तो अब हमें आजादी देनी होगी, ये वो भी जानते हैं। अब भारत में रहना उनके लिए लाभदायक नहीं रहा। देखो हमारे देश का माहौल खलीफत आंदोलन के लिए एकदम सही है। अंग्रेजों ने खलीफा को हटाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, हमें इस घड़ी का संपूर्ण फायदा उठाना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि 200 साल की गुलामी ने हम सबके बीच में फूट डाल दी है। हमें एक होकर इस अंग्रेजी सरकार से विरोध लड़ना होगा। इस बैठक के बाद बापू के मार्गदर्शन में बहुत सारे रैलियां हुईं, पूरा देश एकजुट हो गया था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी बढ़ गया था। Yeah!